एक तरफ मध्य प्रदेश में शराबबंदी की बात की जा रही है, वहीं प्रशासन गहरी नींद में सो रहा है और बीच शहर में राजभवन के बिल्कुल करीब और विधानसभा के रास्ते में शराब की दुकान खोली जा रही है, जिसका जोरदार विरोध प्रदर्शन स्थानीय लोगों ने शुरू कर दिया है। अति महत्वपूर्ण और संवेदनशील इलाके में जहां से विधानसभा की बैरिकेडिंग की जाती है, जहां से राजभवन की दूरी मात्र 50 मीटर के अंदर है, जहां दिन में कई बार वीआईपी लोगों का कार्केट का मूवमेंट रहता है, वहां अचानक ईयर एंडिंग से पहले शराब की दुकान खुलने लगती है। जब रहवासियों और आसपास के व्यापारियों को इसका पता चला तो सभी महिलाएं, बच्चे व पुरुष काम धंधे बंद कर विरोध पर उतर आए। बंद करो, बंद करो, शराब की दुकान नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, शराब की दुकान नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, शराब की दुकान विरोध का कारण सबसे पहला कारण ये है कि यहाँ पे धार्मिक आयोजन होते हैं। एक पहले गणेश जी स्थापित होते हैं, दुर्गा जी स्थापित होती हैं, शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम होता है, हनुमान जयंती का कार्यक्रम होता है, सारे धार्मिक कार्यक्रम यहाँ होते हैं। दूसरी बात, सामने मंदिर है। तीसरी बात, सामने मस्जिद है। चौथी बात, सामने रहवासी क्षेत्र है, कम से कम 20,000 लोग रहते हैं यहाँ पे। छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएँ हैं, सबका आना जाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे शराब की दुकान खुलेगी तो लोग गदर करेंगे, एक्सीडेंट होंगे, सामने मेन रोड है, तो सारी मतलब दिक्कतें ही दिक्कतें हैं टोटली। इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं और हम किसी भी कीमत पे ये दुकान नहीं खुलने देंगे। इसके बारे में हमें कोई भी पूर्व सूचना नहीं थी और इधर पे विगत कई वर्षों से हमारे जन्मोत्सव के कार्यक्रम हिंदू नववर्ष आएगा उसमें हम कार्यक्रम करते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम इधर हम लोग विगत 20 या 25-30 सालों से करते हैं। हमारे पिताजी भी वो यहीं पे कार्यक्रम करते थे, बहुत समय हो गया। और ये रहवासी क्षेत्र है और मतलब सरकार की गाइडलाइन में ये भी लिखा है कि रहवासी क्षेत्रों में ये शराब बराब की दुकानें नहीं खुलनी देनी चाहिए। तो ये एक तरीके से सरकार की नियमों की अवहेलना की जा रही है। तो ये हम लोग सब लोग यहाँ पर एकत्रित होकर विरोध कर रहे हैं इसका, और जब तक ये दुकान मतलब इसका टेंडर निरस्त नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। आपको बता दें कि इस इलाके में छोटे बच्चों का स्कूल है, कई फैमिली रेस्टोरेंट है, मंदिर व मस्जिद है, महिलाओं के दफ्तर भी है, दुकानों के ठीक सामने कई सालों से झांकियां लगती आ रही हैं। राजभवन कुछ कदम की दूरी पर है, विधानसभा का मार्ग भी यहीं से होकर जाता है। यह शहर का सबसे व्यस्ततम मार्ग है जहां शराब की दुकान खोली जा रही है, जिससे आए दिन दुर्घटना होने का डर बना रहेगा। यहां पर मेरी खुद की शॉप है, यहां मैं खुद बैठती हूं, और यहां पर यदि बाजू में शराब की दुकान खुल जाती है तो जो महिलाएं भी आती हैं कई बार काम से, मैं सोशल वर्कर भी हूँ, यदि वो भी आएंगी तो आएंगी कैसे? यहाँ पर यदि लोग शराब पीकर खड़े रहेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। सारा शराब पीकर रोड पर जाएंगे, यहाँ पर एक्सीडेंट होंगे, वो कौन संभालेगा? उसका जिम्मेदार क्या प्रशासन है? प्रशासन को होना पड़ेगा। यहाँ जैसे मैं शॉप पर बैठती हूँ और यहाँ पर महिलाएँ मिलने आती हैं, और ऐसे में यदि शराब पीकर लोग यहाँ खड़े रहेंगे तो आपको नहीं लगता कि क्या ये गलत है? ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि यहाँ पर शराब पीकर लोग गालियाँ देते हैं, नशे में पड़े रहते हैं, फिर गलत ही काम होगा और क्या होगा। हम यहाँ पर शराब की दुकान नहीं खुलने देंगे, यहाँ पर चाहे हमें कितने ही दिन भूखा रहना पड़े। जानकारी के अनुसार शराब की दुकान खुलने का नियम है कि उसके 50 मीटर के दायरे में कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या कोई दूसरा धार्मिक स्थल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वहाँ शराब की दुकान नहीं खुल सकती। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल से नेशनल और स्टेट हाईवे से 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकानें खुलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। इस विरोध में जनता का साथ देने के लिए स्थानीय पार्षद मीना यादव भी सड़कों पर उतर आई है, और दुकान ना खोली जाए इसके लिए राज्यपाल, कलेक्टर, कमिश्नर, एसडीएम व पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है। लोगों का कहना है कि अगर सुनवाई नहीं हुई तो हम धरना देंगे, दुकान नहीं खुलने देंगे, चाहे भले ही भूख हड़ताल करनी पड़े। नहीं, ये जो शराब की दुकान खुल रही है ये बहुत गलत खुल रही है, क्योंकि राजभवन की दूरी और इनकी 50 मीटर भी नहीं हो रही है, और स्कूल भी है, मस्जिद भी है, मंदिर भी है, और यहाँ पूरे मालवीय नगर के रहवासी भी हैं, और यहाँ झांकी की स्थापना होती है, नवरात्रि शुरू होने वाली 6 तारीख से। हम इसको नहीं खुलने देंगे, हम ये शराब की दुकान का पूरे दम से सभी लोग विरोध करेंगे, और इस चाहे भले हमें इसे कितने भी हद तक जाना पड़ेगा, हम ये दुकान नहीं खुलने देंगे। जब शराब दुकान खुलने के संबंध में दुकान पर बैठे लोगों से बात की गई तो किसी ने भी बात नहीं की और जवाब देने से मना कर दिया, यहाँ तक कि कैमरा भी बंद करने को कहा, और सभी वहाँ पर पल्ला झाड़ते नजर आए। ऑथराइज्ड यहाँ तो
our head of the department has not given any permission to tell or disclose anything. We can't disclose. Nahi to we can. You please don't do not.